अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग एकदम खैरियत से होंगे। तो गाइस, पिछले कुछ व्लॉग मैंने बहुत मुश्किल से बनाए, क्योंकि जिस जिसको नहीं पता, यहां पे साउथ कश्मीर में ऑटम में सीजन होता है एप्पल्स का, और यहां पे सब लोग एप्पल्स के साथ बिजी रहते हैं। तो गाइस, मैं भी पिछले कुछ दिनों से एप्पल्स के साथ ही बिजी था। तो मैं घर में बड़ा हूं, तो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर भी है, तो इस वजह से मैं बिजी था पिछले कुछ दिनों से। और मैंने पिछले जो व्लॉग्स डाले हैं वो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है और व्लॉग्स डाले हैं, बट आज से मैं बिल्कुल फ्री हूं और इंशाल्लाह बहुत व्लॉग्स मिलेंगे आपको। तो चलो जी, आपको मैं एक ओवरव्यू देता हूँ कि एप्पल्स का क्या काम होता है, मतलब मैं पिछले कुछ दिनों से किस चीज में बिजी था, पहले कुछ जल के देख लीजिए आप उसकी। तो ऐसे कुछ काम करवाना पड़ता है, काम के ऊपर नजर रखनी पड़ती है, बस सारा कुछ काम फिनिश करवाना होता है, तो ऐसा कुछ सीन है। ये सारे एप्पल बॉक्स है यहाँ पे तनवीर, ये सारे एप्पल बॉक्स को बंद कर रहा है, अभी 5-10 मिनट लगेंगे। और यहाँ पे एप्पल्स पैक हो रहे थे और ये सारे एप्पल बॉक्सेस पैक्ड है यहाँ पे। तो चलिए जी वापस। तो इस चीज में मैं बिजी था पिछले कुछ दिनों से, तो घर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो निभानी पड़ती है। आज जी काफी टाइम के बाद फ्री हुए हैं, तो अपनी सेटिंग कराएंगे। देख लो बालू की क्या हालत हो रखी है, और आपको पता ही होगा अगर आपने पिछले कुछ वीडियोस देखे हैं मेरे, कि स्कूटी की हालत क्या हो गई है। वो अभी भी उसी हालत में, उसका साइलेंसर टूट गया था, बाहर ही आ गया था उसका साइलेंसर, तो वो फिक्स कराते हैं आज। तो गाइस, मैं सोच रहा हूं कि अब बहुत टाइम हो गया यूट्यूब पे, 1-1.5 साल हो गया, तो अभी तक मैं यूट्यूब को पार्ट टाइम लेता था, बट सोच रहा हूं कि आने वाले दिनों से यूट्यूब फुल टाइम लो, और आपको उम्मीद करता हूं कि डेली व्लॉग्स मिले। आपकी क्या राय है इस मामले में, डू कमेंट बिलो, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज योर्स। तो अभी निकलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। तो चलिए जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। फोन की तरफ नजर पड़ी और एक काम याद आया, इसको टेम्पर्ड भी डालना है, टेम्पर्ड ही नहीं है स्क्रीन पे। लेट्स गो गाइस। अगर किसी को अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ानी है तो वो मेरे साथ स्कूटी पे बैठे, क्योंकि इसकी आवाज इतनी है जो कि इज्जत की बैंड बजाती है। देख लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस देख रहे हो, अभी जस्ट मैं घर से निकला और ठंड इतनी हो रखी है ना, क्या बताऊं यार। ओ माय गॉड, कोहरा लगा है यार, ब्लैक आइस। वालेकुम हबीबी, कहाँ क्या, मैं आऊंगा जल्द पिछली बार की तरह। पिछली बार ना मेरी इस स्कूटी की बैंड बज गई थी, तेल खत्म हो गया था, तो इस भाई ने मुझे हेल्प किया था, मेरा फ्रेंड है क्लोज शाकिर फ्रॉम रावलपुरा। तो इस बाइक की भी अभी बैंड बज गई है, तेल खत्म हो गया इसका, मैंने बोला चलो चल भाई बिस्मिल्लाह, कहाँ पे रखूँ यहाँ, चल भाई। भाई इस चढ़ाई को तो नहीं चलेगी ऐसे, क्योंकि ऐसे जब धक्का लगाना पड़ता है तो ये बाइक दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है और स्कूटी दूसरी। चढ़ जा, मैं देखता हूँ, बिस्मिल्लाह चल। अब तो चढ़ा देंगे इंशाल्लाह, चल भाई अब तो चल जाएगी यार आराम से। यहाँ से अप्रॉक्स पेट्रोल पंप यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर है, वहां तक तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। एक बारी मोशन बने तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती ऐसे, बट जब ऐसे बाइक रुकेगी कहीं पे, खासकर स्लोप पे, तो वहां पे मुश्किल होता है ऐसे। अभी मोशन बनेगी तो फिर तो पैर ही रखना है बस, यहाँ पे स्लोप। अरे भाई मैं इधर घुस जाऊंगा, क्या कर रहा है तू यार। यहाँ पे फिर से थोड़ा सा चैलेंज है, बिस्मिल्लाह ये तवक्कल तो अल्लाह। इस चढ़ाई को थोड़ा सा मसला हो जाता है यार, बहुत ज्यादा लेग पे जोर पड़ता है, बट कोई नहीं, कर लेंगे मैनेज, इतना तो थोड़ा सा सह लेंगे भाई। चल निकलता हूँ मैं ब्रो भाई, आज 2-3 काम कराने हैं। अब सोच रहा हूँ पहले कौन सा काम करें, पहले स्कूटी को फिक्स कराए या फिर पहले सेटिंग कराते हैं अपने बालू की। और गाइस सोच रहा हूँ कि मैं चेक करूँ कि मैं डेली व्लॉग कर सकूँ। वैसे मैं तो डेली व्लॉग्स बना सकता हूँ, बट मसला होता है मेरी एडिटिंग में, तो वो चेक करता हूँ मैं इस वाले व्लॉग पे। मैं जल्द से एक व्लॉग तैयार करता हूँ और देखता हूँ आज पॉसिबल होता है क्या व्लॉग को एडिट करना और डालना भी कल सुबह, इंशाल्लाह देखते हैं। अगर आपको मॉर्निंग में ये व्लॉग मिला तो आप मान लीजिए कि मैं पास हो गया इस टेस्ट में, अगर आपको इवनिंग में मिला तो मान लीजिए कि मैं फेल हो गया, बिकॉज एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। और अभी पहले स्कूटी का ही काम फिक्स कराते हैं। देख लो यहाँ से पूरा शोपियां नज़र आता है, और आपको यहाँ पे ना मस्जिद के मीनार ही नज़र आएंगे। आ जा भाई, यार थोड़ी सी दिक्कत है बाइक पर, लेकिन फिर भी चढ़ाता हूँ बेचारा भाई। आ जा खासा क्या ना सच, कैंशन कैंशन कोई हॉर्न लगा रहा है यार, खिंचो सा खिंचो इम सिर्फ कैंशन।
तो इस भैया को मैंने पिक किया था, तो ये बोल रहा है कि मेरी कुछ इमरजेंसी थी हॉस्पिटल में, मैंने सोचा था मैं इसको हॉस्पिटल में ही ड्रॉप कर दूँ, अब बाकी सारे काम बाद में करेंगे। बट पीछे कोई बाइक वाला हॉर्न कर रहा था, तो इसी का बंदा था कोई, तो ये उसके साथ चला गया। मैंने बोला चलो बेटर है, तो मैं भी एज पर प्लान ही चलता हूँ। यहाँ पे टोल है इसलिए यहाँ पे गाड़ियाँ रुकती है। यहाँ पे देखो ये बंदा बीच सड़क में रोक रहा है गाड़ियों को, और ये भाई साहब कहाँ चल रहा है यार तू। तो भाई मेरी चैनल पे आज से आपको इंशाल्लाह बाइक आने की देरी है, मेरी जो अपनी वाली बाइक है KTM RC उसके आने की देरी है, फिर तो आपको ब्लॉग दबादब मिलेंगे। और आपको ज़्यादातर 70% ब्लॉग्स आपको मोटो ब्लॉग्स ही मिलेंगे, सो गुड न्यूज़ फॉर मोटो ब्लॉग लवर्स। एक और मोटो ब्लॉगर यहाँ पे लियो V47 अपना भाई देखो, यहाँ पे जी मिला था अपना भाई सरताज है नाम इसका, बहुत पुराना फ्रेंड है मेरा, तो ये भी मोटो ब्लॉगर ही है, डालता है ब्लॉग्स, लियो V47 चैनल का नाम है, गो चेक इट आउट, काफ़ी मस्त वाले ब्लॉग्स बनाते हैं मोटो ब्लॉग्स। मोटो ब्लॉग्स लवर्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू हिज चैनल। अभी जी चलते हैं हम आदिल भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम, काफ़ी टाइम के बाद मिल रहा है आज आदिल भाई, कहाँ था ये? हाँ इसका साइलेंसर फिक्स करवा दो। इस बाइक को टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा मजा है इसमें। चलिए जी भाई इतनी भारी है ये, क्या बताऊं, बिस्मिल्लाह। आई डोंट नो कि एंगल कैसा आ रहा है अभी, बट जो भी है यही है, हवा थोड़ी सी कम है आगे, बट मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना है, मार्केट तक ही जाना है। बुलेट में काफ़ी मज़ा आता है चलाने में, और ये वाली बाइक जो है ये बुलेट इलेक्ट्रा है, जिसका पतला टायर होता है पीछे, स्टैंडर्ड नहीं है ये, क्लासिक नहीं है ये, इलेक्ट्रा है। अभी देख लो भाई मैं मेन मार्केट शोपन में हूँ, यहाँ पे जी जामिया मस्जिद है, यहाँ पे जी अपना शॉप वाला एक है फ्रंट, जरा भाई कवर एयरपोर्ट्स 3। चलिए जी इसके पास कवर तो नहीं है, बिस्मिल्लाह, किक स्टार्ट ओल्ड स्कूल। एयरपोर्ट्स का कवर तो नहीं मिला, बट फ़ोन का टेम्पर्ड लगा लिया अभी, तो आप श्रीनगर में ही देखेंगे इसका कवर, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट्स का कवर इजीली नहीं मिलता है। स्कूटी का सीन तो गलत हो गया यार, आदिल भाई बोल रहा है कि स्कूटी में जो भी मसला है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो चलिए वापस इस बाइक को वहाँ पर ड्रॉप करेंगे। मस्त भागती है यार ये तो। चलिए जी आ गए हम अपनी राम प्यारी पे वापस, अभी जाएंगे पहले कटिंग करने, वालों की थोड़ी सी सेटिंग करते हैं। बहुत लेट हो गया जी, 3:40 अभी बज रहे हैं यार, अभी मुझे घर वालों के साथ डॉक्टर के पास भी जाना है, तो अभी कुछ नहीं देखेंगे और निकलेंगे यहाँ से। सारे काम मैंने डन कर दिया बट स्कूटी का रह गया, तो मैंने सोचा कि आज वो रहने देते हैं, क्योंकि आज उतना टाइम भी नहीं है, यहाँ से डॉक्टर के पास भी जाना था और बहुत सारे काम निपटाने थे, तो इसलिए मैं ऐसे ही वापस आ गया। बाकी कटिंग वटिंग हो गई, इस बेचारे बहुत बढ़िया मेहनत की थी मेरे हेयर स्टाइल पे और बियर्ड पे, बट हेयर स्टाइल की तो बैंड बज गई क्योंकि हेलमेट लगा ली, और हेलमेट से आपको बताइए क्या हाल होता है बालों का। तो अभी मैं चल रहा हूँ अपने लिंक रोड पे घर की तरफ, आधा किलोमीटर होगा घर, आधे किलोमीटर से भी कम, तो चलिए घर चलते हैं और गाड़ी को उठाते हैं और फैमिली के साथ चलते हैं पुलवामा। चलिए जी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो जी देख लो हेलमेट से क्या हाल हो गया बालों का। अभी मुझे कपड़े चेंज करने हैं, अभी पहले कपड़े चेंज करेंगे क्योंकि ऐसे कटे पिटे कपड़े लेके डॉक्टर के पास जाना है। तो घर में रखा गाड़ी कैसी है? उधर देखो, उधर देखो। अगर मैं हुदल देखूंगा तो गाड़ी कैसे चलाऊंगा? उधर देखो। थोड़ा सा फॉगी मौसम हो रहा है, पता नहीं क्यों, शायद बर्फ पड़ने वाली है, इतना अंधेरा क्यों है भाई। तो जी पहुंच गए हम पुलवामा और यहाँ पे डॉक्टर के पास पहुंच गए, इस शॉप के पास, तो देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। 2000 years later। तो गाइस ये था जी आज का व्लॉग, आप मान लो आज का व्लॉग प्रेपरेशन थी कि मैं डेली व्लॉग्स कर सकता हूँ या नहीं। तो आज अभी टाइम हो रहा है 8:47, तो लगभग 9 बजे हम पहुंच गए अभी घर। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, बाय, पीस आउट।